नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो आज हम पहुंचे हैं बेरी हलके के पाड़ीपुर गांव में और यहां से जानेंगे कि आखिरकार विकास कितना करवाया है जो यहां के मौजूदा विधायक है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार संजय कबलाना, वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार मौका किसे मिलेगा ये तो जनता ही तय करेगी। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। उनसे जानने का प्रयास हम करेंगे कि आखिरकार क्या लग रहा है कि इस बार किसका माहौल है, किसने काम करवाए हैं, किसने काम नहीं करवाए। जी बताइए, आपके गांव में कुछ काम हुए हैं क्या विकास के? हमारे गांव में विकास के काम, हमें कोई काम की ज़रूरत भी नहीं है विकास के काम की, हमें देश की ज़रूरत है। जो देश पुराने टाइम पर कुछ डरपोक लोग होया करते, वह उस टाइम पर मुसलमान भी बन गए थे और बीच में वह कांग्रेसी बन गए। इन कांग्रेसियों का एक जो षड्यंत्र है इस देश को तोड़ने का, और देश ने तो षड्यंत्र है, एक देश में एक मानते हैं हमारी एक माता है, वो माता आ रही है हमारे देश को तोड़ने के लिए। उनका काम है हिंदू हिंदू को लड़ाओ और यहाँ मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। हमें किसी की भी जरूरत नहीं विकास की, विकास हमारा हो रहा है, हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। हमारे विधायक ने काम किए हैं। काम क्या किए हैं, अपने इलेक्शन के टाइम पर आता है और अच्छी अच्छी बातें, जिसका बच्चा जवान होता है उसको थपकी मार देता है, हाँ भी तेरा हरियाणा पुलिस में पक्का। उसके बाद में सरकार आती नहीं, फिर जनता को बताता है कि भी मैं क्या करूं, ये सरकार मेरी है नहीं, ये भी 1924 का ज़माना नहीं है, 2024 का ज़माना है ये, 2024 जनता सब जानती है सरकार क्या है। ये हमें विधानसभा में भेज दिया तो इसने आज तक कोई भी हमारी मांग बेरी हल्के की इसने विधानसभा में नहीं लगाई, कोई भी कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगाई हमारी मांग की। क्यों? क्योंकि जनता सरकार काम करती, जनता खुश होती सरकार से, ये सरकार से जनता नाराज करने गए। ये इनकी जो माता है, इनकी माता रानी, इन माता रानी का आशीर्वाद इनके ऊपर, जिसका नाम बताते हैं सोनिया और पीछे का नाम उसका कुछ और था, वह हमारे देश ने ममता बनाना चाहते हैं। हम हिंदू देश को हिंदू रखेंगे, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान राष्ट्र सब मुसलमान बन गए, ये हिंदू नहीं है, तो हम इसको हिंदू बनाएंगे। हिंदू बनेगा जब हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले आएंगे। बेरी से किसको पार करोगे इस बार? बेरी संजय कबलाना, भाई संजय कबलाना कह रहे हैं, तो बारी व्यक्ति है, हल्के का नहीं है, तो ये बारी है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बारी है, ये बारी है, ये मुस्लिम नहीं है, ये बारी है, ये सब जात का नेता है, ये वह मान रहे हैं जाट की चौधर, ये जाट नहीं है, ये सब जातियाँ का नेता है, ये भाईचारा इसका मजबूत है, ये पंचायती आदमी है, सामाजिक आदमी है, समाज में रहे हैं, इन्होंने देश के बड़े बड़े फैसले करवाए हैं। इसके पिताजी ने 302 का मुकदमा, जो गौ हत्या का मुकदमा जो लगा था बच्चों पर, जिन्होंने गौ हत्या करी थी, और जो उनने वो अपने गौओं की जान बचाने के लिए, उन गौओं की रक्षा करने के लिए कुछ दो युवक अपने आप खुदकुशी कर गए थे, कोई हमारे झज्जर में कोई SP था, उस SP ने अपनी जाति के साथ लगते हुए हमारे 1000 नौजवानों पर 302 का मुकदमा बढ़ाया। उन्होंने ओम प्रकाश कबलाना ने अपने ऊपर 302 का मुकदमा लेकर गौ माता की रक्षा की, हमारे समाज की रक्षा की, हिंदू की रक्षा की। ये बताइए, विधायक जी ने कितने काम करवाए डॉक्टर रघुवीर कादियान ने? रघुवीर कादियान जी ने कोई काम नहीं करवाई, वो तो ऐसे जाते हैं वोट मांग के चले जाते हैं। आप लोगों ने 6 बार विधायक बना दिया उसे? हमें तो नहीं बढ़ा जी, वो तो ऐसे ही मार के हाथ और ले लेते वोट, रो पड़ता है, दीपेंद्र की तरफ से वोट दिया जी थी, अब की बार कोई वोट नहीं उसकी। किसको पार करोगे बेरी से? अब की बार संजय कबलाना को पार करेंगे बेरी से। संजय कबलाना, हाँ जी। आप बताओ जी कि डॉक्टर रघुवीर कादियान ने काम कराए हैं विधायक ने? हमारा तो देखो नुए पानी भरे है, पानी निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है जी। यहाँ कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे बेसिक तो पानी में डूब के मर जाओ। 2 साल पहले एक बच्चा गिर गया था, वो तो मौजूद थे, हम निकाल लिया गया, और अब भी ये पानी नू का नू ज्यों का त्यों भरा खड़ा है कॉलोनी के पास। हमारा तो कोई समाधान नहीं जी। एक बार किस उम्मीद है आपको अब की बार? अब के बार जी सूत बैठ गया तो संजय कबलानिया इन बनाएंगे जी। संजय कबलानिया? हाँ जी, BJP की वोट जी। तो बाहर का व्यक्ति हल्के का तो कोई नहीं होता है? कौन जी? संजय कबलाना? ना जी, हल्का का क्यों नहीं है, हमारे ही हल्का का है, मेरी हल्का है था जी, और क्या क्यों है। डॉक्टर साहब कभी आ गए? डॉक्टर भी कहते हैं कब सुख दुख में कभी आते हैं कभी? ना जी, हमारे पास तो कभी नहीं आए। एक बार एक बच्चे की माता पिता गुजर गए थे, उसको लेके गए, उसको भी कहीं भी नौकरी नाकरी नहीं मिली जी, बेसहारा बच्चे को भी। आप बताइए जी, डॉक्टर भी कादियान ने क्यों काम कराए कुछ? सुन लो बताओ, मैंने ना करवाया। अभी आते हैं कभी विधायक जी? ना आते नहीं, आते
इस बार किसको पार करोगे? इससे ना कराए। किसने? संजय ने। संजय ने किसका आदमी है? ठीक से ठीक है। तो चलिए, तो सुना आपने कि लोगों की क्या कुछ राय है, लेकिन इस बार बेरी से विधायक कौन बनेगा ये तो 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा।